Hey guys, hello and welcome to class 12th student. Today we are going to start the chemistry chapter 3, electrochemistry. In this chapter we are going to study about conduction in electrolytic solution, specific and molar conductivity, variation of conductivity with concentration, Gibbs energy, Kolar-Ross law. Today we are going to cover the topic introductory part and some important information or knowledge about the electrochemistry. So without wasting much of time, I'm starting with introduction part. What is electrochemistry? Electrochemistry is the study of production of electricity from energy released during the spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to result in non-spontaneous chemical transformations. It means what? Electrochemistry chemistry ke wo branch hai jiske dauran hum electricity ke production ke bare mein study karte hain. We study about the production of electricity. और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उस दौरान में कैसे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कैसे चेंजेज से गुजरना होता है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। तो जब भी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो वहां पर एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस की बात आती है। हम आज उसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए जो उसमें रिगार्डिंग टूल्स हैं उनको समझेंगे वन बाय वन, क्या क्या पार्ट है और क्या क्या चाहिए हमें इनके दौरान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। यानी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर में करंट का पास होना ही कंडक्शन, यानी उसको संवहन करना, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसका फ्लो होना, यानी मूव अप करना। दूसरा है टर्म की, अब यहाँ एक टर्म आ गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किससे बना होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिससे बना होगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में और आयन को फर्निश्ड करता है, प्रोड्यूस आयन। तो अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस आयन हैंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डिजोल्विंग स्टेट और मोल्टन स्टेट। वे सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में सॉल्यूशन में डिजोल्व होकर के आयन फर्निश्ड करे और इलेक्ट्रिसिटी पास करने में मदद करे, करंट फ्लो करने में मदद करे, ये दो कंडीशन में होते हैं। ये या तो ड्राई ये मोल्टन स्टेट में हो और या फिर ये क्या हो आपका डिजोल्व स्टेट में हो। ड्राई स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो तरह के हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं विच डिसोसिएट पार्शियली इनटू एक्वस सॉल्यूशन। दोज इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन एंड फर्निश्ड लेस नंबर ऑफ आयन रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कंपेरिजन करेंगे तो उसकी तुलना में कम। और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो टोटल के टोटल आयन्स को ब्रेक डाउन कर दे और एक्वा सॉल्यूशन में ज्यादा फर्निश्ड करे। जैसे आपने यहां देखा है H2CO3 कार्बोनिक एसिड कहते हैं हम इसे, और ये है जैसे हमारा एसिटिक एसिड है, HCN है, MgCl2 है, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो ये पूरे का पूरा डिजोल्व नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होता। दूसरा है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे NaCl है तो NaCl क्या है? Na+Cl-, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, विच कंप्लीट डिसोसिएट KCl है, K+ एंड Cl-, NaOH है, Na+OH-, HCl है, H+Cl-। तो ये सब क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब आ जाते हैं कि कैसे डिसोसिएट होता है। तो आयनाइजेशन का एक डिग्री होता है, उसको कहते हैं हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उसमें से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन।
तो एक बार फिर से समझेंगे कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है। ये एक रेशियो है कि कितने आयन प्रोड्यूस हुए उनसे और जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल है उस सॉल्यूशन में मौजूद, उन दोनों के बीच का रेशियो क्या कहलाता है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन। डिसोसिएट होकर के ही आयन फर्निश्ड करेगा, तो कभी कभी टर्म ये भी यूज होते हैं। तो इसके बाद जो फाइनल चीजें हैं वो क्या है कि ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ऐसे तो नॉर्मली आप 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि किसी धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके समानुपाती होते हैं और रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यानी करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओम्स लॉ को थोड़ा सा अलग समझने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू कंडक्टर। किसी भी कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, यानी वी प्रोपोर्शनल टू आई। फिर हम क्या कर सकते हैं, पर्सनालिटी हटा दिया, V इक्वल टू आई आर, और फिर क्या कर दिया, V लास्ट में हमने क्या लिखा है, V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू V अपॉन आर। तो ये है हमारा क्या, ओम्स लॉ। क्या है ये, ओम्स लॉ है। तो इनकी स्टडी के बाद हम जहां पर, जहां R क्या हमारा रेजिस्टेंस है, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक टर्म्स आ जाता है जिसमें हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस आर। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, अभी हम इस नेक्स्ट सेक्शन में यही सीखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या है। तो इन सारे टर्म्स को अभी हम वन बाय वन इसे सीखेंगे, ठीक है। नाउ हियर वी कम अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इन प्रीवियस इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सब्सटेंस टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। वे सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो कि उसमें चार्ज फ्लो होने में ऑब्स्टेकल क्रिएट करे, हिंडरेंस क्रिएट करे, पाथ ऑफ करंट में बाधा उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, विच हिंडरेंस द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वायर का लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उतना ही कम होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दस आर इक्वल टू रो एल बाय ए, जहां रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, यानी 1 मीटर लेंथ में उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, इट इज डिफाइंड इफ अ सोल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड डिस्टेंस एल अपार्ट। कहते हैं कि दो, कोई भी जो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है वो एक दूसरे से कितने हैं, ये दो इलेक्ट्रोड है अगर, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, लेंथ है, वो एल डिस्टेंस पे ये एक दूसरे के रखे हुए हैं, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसके अंदर में ये इलेक्ट्रोड फिट है, इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये ए है, ये ए है। तो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डिस्टेंस अपार्ट, देन आर इक्वल टू रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल बाय ए हो जाएगा, और अगर हम रो निकालेंगे यहाँ पर तो क्या निकल जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। दिस इंप्लाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इक्वल टू आर ए बाय एल, ये भी लिख सकते हैं आप, यानी। और एल बाय ए जो होता है ये होता है सेल कांस्टेंट। जब किसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को सेल कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी एल बाय ए से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है आपका रेजिस्टिविटी जो है वो आपकी वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो यानी कि सेल कांस्टेंट इनटू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे कि कंडक्टेंस, जिसको जी से रिप्रेजेंट किया हमने, कैपिटल जी, द ईज विद विच करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। कह रहे हैं इसको क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। किसी भी कंडक्टिंग वायर में किस आसानी से सुगमता पूर्वक करंट कैसे फ्लो कर रहा है, द ईज विद विच करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के ठीक उल्टा होता है, मतलब अगर रेजिस्टेंस हाई है तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर कंडक्टेंस हाई है इसका मतलब उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में रेजिस्टेंस क्या है आपका, वो कम है। तो आइए बात करते हैं अब हम, जैसे G इक्वल टू 1 बाय आर, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था कि रेसिप्रोकल होता है, तो
तो अगर हम इसी चीज को आसानी से समझने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा हमारा कि 1/r है। अब इसके जगह पर हमने क्या किया कि 1/r के जगह पर a/l हमने यहां पर पुट कर दिया, और ये इसका ठीक उल्टा, यानी कि जब इसका प्रोपोर्शनलिटी यहां पर है तो ये वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दिया कि ये क्या हो जाएगा, r का वैल्यू रख दिया हमने दिस वन, कहां से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से, रो एल बाय ए, तो आर के बदले रो एल बाय ए रखा, इनवर्स हो गया, तो ये इस तरह के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब इसके लिए, इस टोटल टर्म्स के लिए, यानी कि 1/ρ, क्या कह दिया हमने, कप्पा, ये 1/ρ है, या मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में 1/ρ इक्वल टू क्या होता है, कप्पा होता है, ठीक है, 1/ρ इक्वल टू कप्पा। तो यूनिट क्या होगा इसका, साइमन, जिसको एस से रिप्रेजेंट कीजिए, या ओम इनवर्स कीजिए, या मोहो, MHO, मोहो, तो ये हो जाता है हमारा यूनिट। इसके बाद है कंडक्टिविटी, जिसको अभी हमने यहां पर कहा था कप्पा है, ये कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है, क्या है, कंडक्टिविटी, यानी एबिलिटी जो है करंट के पास करने उसके लिए। तो कहते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कौन सी रेजिस्टिविटी, रो, जो रेजिस्टेंस में आता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कह लीजिए या रेजिस्टिविटी कह लीजिए, रो, तो कपा इक्वल टू 1/ρ। और यहां पर क्या करते हैं हम कि कपा की वैल्यू अगेन रो, जो हमारा रो है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो जब रो की वैल्यू यहां रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1/r La, यानी यहां इसको, अब हम इस टोटल 1/r को फिर से, क्योंकि 1/r हमारा क्या है, जी है, यानी कंडक्टेंस है, तो हमने इसको जी लिख दिया, कंडक्टेंस। तो अगर लेंथ का, जो वायर का लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, देन कपा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, यदि लेंथ का वायर 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कपा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, जी हो जाता है। तो ये था हमारा कि कंडक्टिविटी क्या है इसके बारे में। तो अब आपने इसमें रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इनके बारे में पढ़ा। अभी अब हम आपको बताने जा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, जरा ध्यान से देखेंगे इसे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपने इसे नोट भी कर लिया होगा, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको मोलर कंडक्टिविटी समझाता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, देखिए कि कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी में द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन टू लार्ज इलेक्ट्रोड्स एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी कह रहा है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके अंदर में जो करंट जो पास करेगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी, तो कह रहा है 1 मोल ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व होने चाहिए और इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट होने चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जरा ध्यान से वन बाय वन हम इसे करने की कोशिश करेंगे अभी यहां पर, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम कि मोलर कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है। मोलर मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा यहाँ कंडक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन है और एम जो है वो क्या है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। ये लैम्डा एम लिख रहे हैं यहाँ पर हम इसके लिए। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल दी आयन्स, किसके अंदर की बात कह रहे हैं, जो सॉल्यूशन है उसमें, ऑल दी आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय डिजोल्विंग वन ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट
प्लेस्ड बिटवीन टू लार्ज इलेक्ट्रोड एट वन सेंटीमीटर अपार्ट। कह रहे हैं कि द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय डिजोल्विंग वन मोल ग्राम मोल एक ग्राम मोल सब्सटेंस को एन इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन टू लार्ज इलेक्ट्रोड एट वन सेंटीमीटर अपार्ट। यानी दो इलेक्ट्रोड है वो क्या है एक दूसरे से वन सेंटीमीटर दूरी पे है और उनमें वन मोल ग्राम मोल जो है वन ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जो वन ग्राम मोल उसका वे है उसको उसमें प्लेस कर दिया। कहने का मतलब मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिंग टैंक है इसमें दो इलेक्ट्रोड है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है वन सेंटीमीटर है और इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो है ये कितना है वन ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर दिया गया है। अब क्या होगा कि यदि मैथमेटिकली हम इसे समझे तो क्या हो जाएगा हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू वी। वी क्या यहां पर वॉल्यूम है हमारा या आप लिख सकते हैं इसे लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू थाउजेंड अपॉन सी। वॉल्यूम को कंसंट्रेशन के टर्म्स में इस तरह से लिखते हैं ठीक है। और तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका यूनिट की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू थाउजेंड अपॉन सी। अब यूनिट रखते हैं तो कप्पा का यूनिट क्या होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा मोल। और चूंकि कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम के टर्म्स में है तो क्या लिख सकते हैं हम यहां पर यूनिट को जस्टिफाई कर देते हैं मोल सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से हो गया हमारा। तो इसको और ज्यादा अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर इनवर्स यहां है सेंटीमीटर क्यूब यहां है ठीक है तो पर सेंटीमीटर क्यूब में अब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है यहां पर तो फिर फाइनली क्या बच गया हमारा यूनिट क्या हो जाएगा साइमन को क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स लिख सकते हैं भाई ओ एच एम ओम इनवर्स ठीक है। और सेंटीमीटर से कट गया तो क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और क्या लिख सकते हैं हम इसे और लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या मोलर कंडक्टिविटी। फिर से समझिए द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग वन ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन टू लार्ज इलेक्ट्रोड एट वन सेंटीमीटर अपार्ट। तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा इक्वेशन हो जाता है आपका और जो मेन है हमारा यही वॉल्यूम को हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। तो इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी जो है हमारा डिफाइन हो जाता है। अब होता है यहाँ पर क्या कि मोलर कंडक्टिविटी के डेफिनेशन के बाद यहाँ पर एक चीज आता है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन कि हाउ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ वेरी करता है। तो हम इसे समझने के लिए कोशिश करेंगे अब क्या करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन ठीक है। मैं इसे साफ करके फिर से आगे लिख देता हूं क्या है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड
कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो कुछ इस तरह से जो है आपका एक ग्राफ मिलेगा आपको। ये ग्राफ क्या कहता है जरा समझते हैं हम। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रूट अंडर सी यानी कंसंट्रेशन का रूट ले लिया, जिसमें क्या लिख सकते हैं इसे हम मोल पर लीटर लिखते हैं, तो इस पे पावर हाफ हो जाएगा, तो रूट हटा देते हैं हम, यहाँ सी पे पावर हाफ भी लिख देते हैं। ये है हमारा, और किसके बीच में ले रहे हैं हम, लैम्डा एम के बीच में, किसके लिए लैम्डा एम, इसके लिए कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो है हमारा जीरो है। अब क्या होता है देखिए कि जो भी स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ये है KCl, स्ट्रोंग, और ये जो है हमारा ऊपर वाला ग्राफ, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस तरह से ये है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, तो जब वेरिएशंस की बात आएगी तो ये इस तरह के वेरिएशंस को शो करेंगे। ये है हमारा, अब इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल जो है एक इक्वेशन है जिसको बोलते हैं डीबे हकल ऑन्सगर इक्वेशन। क्या है, डीबे हकल ऑन्सगर इक्वेशन, इसके मदद से हम इस वेरिएशंस को समझेंगे। तो जो फार्मूला इसके लिए होता है नॉर्मल वे में, अगर हम इसे कंसीडर करें तो फार्मूला क्या है हमारा, वो कुछ इस तरह से हो जाता है, इन दोनों के बीच का इक्वेशंस है, तो ये हो जाता है ए इक्वल टू ए नोट रूट अंडर ए रूट अंडर सी, ये हो जाता है आपका। आप इसको मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखना चाहे तो हम वैसे भी ऐसे लिख देते हैं, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नोट माइनस लैम्डा सी रेस टू द पावर 1/2, या मोलर कंडक्टिविटी हो गया तो लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस लैम्डा एम, यहाँ पर जो है हमारा इसके लिए कोई भी कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाता है, एक्चुअली ये होता है भाई। तो ये है हमारा क्या, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, किसके हिसाब से, यहाँ जो कंसंट्रेशन है और उसके मदद से हम यहाँ पर लेंगे। इसके जगह पर हम यहाँ पर क्या करते हैं कई बार कि ये ना लेकर के हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल कांस्टेंट ले लेते हैं, जो कि ए है हमारा, ए क्या है, ए है हमारा सेल कांस्टेंट, वेयर ए क्या है हमारा सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट क्या हो जाता है आपका वैल्यू सेल कांस्टेंट का, एल बाय, हाँ जी बिल्कुल, सेल कांस्टेंट क्या हो जाता है एल बाय ए, क्या हो जाता है एरिया क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर मैंने इसको क्या किया है, सेल कांस्टेंट लिख दिया है, ठीक है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट डे जो है आपको कोलराज लॉ और इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।